हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब अच्छे होंगे। और भाई, जा रहा हूँ ड्यूटी। आज बहुत दूर जाना है यार, सुबह सुबह ड्यूटी, आज बहुत दूर जाना है, इसलिए आज निकला हूँ 7:30 बजे। और आज एक इंस्पेक्शन है यार, गवर्नमेंट की साइट की स्टार्ट होनी है नई साइट, तो उसकी इंस्पेक्शन है। तो फिलहाल मैं निकल गया हूँ, जा रहा हूँ, बस अपना वही बस का वेट कर रहा हूँ। बस पकड़ूँगा फिर यहाँ से निकल जाऊँगा। तो चलो विजिट कराता हूँ आप लोगों को भी। देखो भाई, यहाँ सिविल इंजीनियर की लाइफ एज अ फ्रेशर साइट इंजीनियर की लाइफ कैसी होती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है मेरी। मैं मतलब अपनी फील्ड से बहुत खुश हूँ, क्योंकि खुश होना चाहिए भाई, हम लोग इंजीनियर हैं ना, खुश होना चाहिए। तो चलो मिलते हैं ना साइट पे। भाई बस में बैठ गया हूँ, पूरी बस एकदम खाली है, और मैं भाई आज बहुत जल्दी जा रहा हूँ, क्योंकि अभी 7:30 हुआ था, 7:45 हो रहा है, और एक्चुअली में थोड़ा से दूर जाना है और 9 बजे तक पहुँचना है, क्योंकि इंस्पेक्शन है, और 9 बजे से पहले पहले मुझे वहाँ पर मौजूद रहना है, क्योंकि वो 9 बजे का टाइम दिया, तो 9 बजे आ जाते हैं भाई। तो फिलहाल मैं इंशाल्लाह पहुँचता हूँ और दिखाता हूँ भाई एज अ सिविल इंजीनियर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है यहाँ पे। एक सिविल इंजीनियर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ साइट मिल गई, साइट पे काम करना, आपको साइट मिली है उसका इंस्पेक्शन कराना, अप्रूवल लेना एंड काम स्टार्ट कराना, सारा टू मच वर्कलोड रहता है। बट करना भाई, ये आपके लिए बेनिफिट है, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए यहाँ पे बेनिफिट है। इंडिया की तरफ से नहीं है कि मतलब आपको साइट इंजीनियर की पोस्ट मिल गई तो आपको परचेसिंग नहीं देखनी पड़ेगी। तो फिलहाल ये सब देखते रहना, और मैं निकल गया भाई, बस में हूँ, तो चलो मिलता हूँ वहाँ पे। पूरी बस खाली है, क्योंकि और बस भी यहाँ पे रुकी हुई है, तो पूरी पूरी बस खाली है, अभी तो कोई पैसेंजर नहीं आया है। बट बस बहुत अच्छी है, एसी मस्त वाली चल रही है, गर्मी बाहर अच्छी है, और लेकिन क्लाइमेट यहाँ का चेंज हो गया, इन्होंने इतनी हरियाली, इतनी ग्रीनिंग एरियाज कर लिया है कि पूरी मतलब कि बहुत अच्छा खूबसूरत हो गई है पूरा। तो चलो मिलते हैं साइट पे, दिखाता हूँ भाई कि कौन सी साइट स्टार्ट करनी है, क्या है। तो चलो, ये भाई मैं पहुंच गया गोल्डसूप मेट्रो स्टेशन, और ये जा रहा हूँ भाई। इतनी तेज़, मतलब बाहर इतनी धूप थी यार, अंदर आया हूँ ठंडा ठंडा लग रहा है, लेकिन पसीना पसीना हो गया हूँ। तो फिलहाल हिम्मत नहीं है यार, बस प्यास बहुत ज़ोर की लगी है, तो पानी पीता हूँ, फिर मेट्रो पकड़ता हूँ, फिर निकल जाता हूँ वेस्ट बरी। तो वहाँ से जाके साइट विज़िट करके फिर सिलिकॉन ओएसिस जाऊँगा, तो ये मेरा आज की प्लानिंग है। तो चलो देखता हूँ भाई। आज आ गया सैटरडे और भाई निकल गया है तेरा ड्यूटी के लिए, अब जा रहा है। आज इतना काम नहीं रहता है सैटरडे को, अल्हम्दुलिल्लाह हाफ डे रहता है मेरा, ठीक है, और मतलब 2 बजे तक काम रहता है, उसके बाद फिर चलाता हूँ रूम पे। तो कुल मिला जुला के 1.5 दिन की छुट्टी रहती है सैटरडे को। फ़िलहाल अभी तेरा भाई निकल गया हूँ, जा रहा हूँ, एक मीटिंग है, उस मीटिंग में अटेंड करूँगा, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, क्योंकि उनका अपार्टमेंट वगैरह जो भी है डेकोरेशन हो रहा है, तो उसी से रिलेटेड मीटिंग है। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ से निकला हूँ, जा रहा हूँ, बस पकड़ूँगा, बस पकड़ के एक साइट पे विज़िट करूँगा, उसके बाद 2 बजे मीटिंग है, और मेरा हाफ डे भी है, लेकिन मैं मीटिंग क्लाइंट के साथ है, तो उसको अटेंड करके ही निकलूँगा। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं मीटिंग वगैरह। या ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियर का भाई खाली आपको काम कराना है, एज अ सुपरविज़न करना, आपके क्लाइंट को डील करना है, आपको मतलब हर एक एक चीज़ पे फोकस करके रखना है कि क्या चीज़ साइड पे हो रही है, साइड भी देखना है, क्लाइंट से भी बात करना है, और सुपरविज़न भी करना है। तो ये है भाई सिविल इंजीनियर की लाइफ यहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छी है। यहाँ पे क्या एक चीज़ सीखने को मिलती है, आपको मटेरियल भी देखना है, क्वांटिटी भी निकालनी है, मतलब एक साइट है वो आपकी है, दो साइट है वो आपकी है, वो आपको देखना है कैसे क्या करना है, ठीक है। तो फिलहाल वो इंडिया वाला नहीं कि बस आप साइट इंजीनियर तो खाली साइट ही पे काम देखना, नहीं, आपको सब कुछ यहाँ पे देखना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल तेरा भाई निकल गया है, जा रहा है कि अभी एक क्लाइंट की मीटिंग है, साइट भी देखनी है। तो चलो दिखाता हूँ आज का काम एज अ साइट इंजीनियर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि खाली साइट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एज अ सिविल इंजीनियर की। मतलब एक होता ना कि हर तरफ आँखें से निगाहें से देखना पड़ता है, तो वो वाला सिस्टम है, ठीक है। तो चलो फिलहाल चलो दिखाता हूँ, ओके
देखो लास्ट तक वीडियो देखना, अच्छी है वीडियो। मैं आ गया भाई यहाँ पे बस स्टॉप पे, और आज मैं दूसरे बस स्टॉप पे आया हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना वहाँ उधर साइड ना धूप रहती है, इधर धूप नहीं रहती है, तो इधर मेरा पास भी पड़ता है। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे बस रुकती है, बस स्टॉप है, तो फिर मैं वो दूर चला जाता था। ये बस स्टॉप है भाई, यहाँ लोग खड़े हुए हैं, तो फिलहाल मैं बस का वेट करता हूँ, तो बस आती है तो फिर निकलता हूँ। भाई मैं आ गया हूँ यहाँ पे, एक साइड है यहाँ पे सिलिकॉन वैली, वहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ से फिर निकलूँगा, जाऊँगा वेस्ट वाली। तो फिलहाल दिन की पहली साइड विजिट है यहाँ पे, और हवा बहुत तेज़ चल रही है, बेइंतहा तेज़ चल रही है, शायद आपको आवाज़ भी आ रही है। और मैं आ गया भाई यहाँ पे साइट पे विज़िट करने। यहाँ पे मेरा काम चल रहा हुआ तो इंटीरियर्स का, चलो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये भाई आपका इंटीरियर्स का काम यहाँ पे चल रहा है, ये हो गई है पूरा फॉल सीलिंग यहाँ पे। एक्चुअली मैं ना इंडिया की तरफ से, जैसे इंडिया में हमारे यहाँ जो सीलिंग होती है वो मुर्गा जाली एंड नेट मेस उसका यूज़ होता है, बट यहाँ पे मैं अभी तक वो POP की फॉल सीलिंग हुई ही नहीं। यहाँ पे जो भी होती है जिप्सम बोर्ड की होती है प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइनिंग टेप लगाते हैं एंड ऑल दैट करके इसको कंप्लीट करते होते। ये हो गई, ये साइट है भाई। आज की हो गई है ये साइट विजिट, एक साइट विजिट कंप्लीट हो गया, और मैं क्लाइंट का वेट कर रहा था जिससे लेट हो गया था। लेकिन अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं डेरा के लिए, और काफ़ी दूर है यहाँ से, आई थिंक 1 घंटा 1.5 घंटे लगे जाएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ से निकल गया हूँ, जा रहा हूँ डेरा साइट। वहाँ पर 2 बजे की मीटिंग है, लेकिन 2:30 2:15 लग जाएगा। अभी तो फिलहाल यहाँ पे बस पे बैठ गया हूँ, और यहाँ पे एक्चुअली मैं क्लाइंट का वेट कर रहा था इसलिए लेट हो गया था। और सिविल इंजीनियर की भाई लाइफ ऐसे, मीटिंग करना है क्लाइंट को, आप ही को डील करना। अब दूसरी साइट मेरी आज की विजिट है, तो ये साइट कंप्लीट हुई, आपने देख लिया। दूसरी साइट है, वहाँ चलता हूँ, चलो दिखाता हूँ भाई, तब तक सफ़र करते हैं। भाई मैं पहुँच गया, मैं बैठ गया हूँ बस पे, और ये है बस भाई, डबल डेकर वाली बस है ये, देख लो नीचे। यहाँ पे ये डबल लेयर में बस है, तो मैं ऊपर वाले लेयर पे बैठा हूँ। अब जा रहा हूँ यहाँ से मैं रशीदिया के लिए, सॉरी ऊध मेहता मेट्रो स्टेशन जाऊंगा, वहां से फिर जाके डेरा की मेट्रो पकड़ूंगा। तो ये एक साइड विज़िट थी भाई, ये कंप्लीट हो गई है। अब मैं निकल गया हूँ, जा रहा हूँ दूसरी साइड विज़िट पे, और वहाँ मीटिंग है 2 बजे के लिए भाई, जाना बहुत ज़रूरी है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, आई थिंक मैं भी कोशिश है कि पहुँच जाऊँ, अल्लाह पाक जल्दी से पहुँचा दे, क्योंकि मीटिंग है भाई तो जाना ज़रूरी है। तो चलो मिलते हैं, ओके। यहाँ से निकल गया भाई, अब सिलिकॉन ओएसिस से निकल के डेरा की तरफ मूव करेंगे। ये होती है सिविल इंजीनियर की लाइफ भाई यहाँ पे। हो गई यहाँ पे सेफ्टी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन, अब जा रहा हूँ दूसरी साइड विजिट पे, क्योंकि बहुत लेट हो चुका हूँ यार, और ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, सारे लेबर की सेफ्टी ट्रेनिंग हो गई, और जो की हैंड ओवर करनी थी वो भी हो गई, मीटिंग भी हो गई। तो इंशाल्लाह कल से काम स्टार्ट करेंगे हम लोग। और अब यहाँ से निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से निकल जाऊँगा बिजनेस पे वेस्ट परी दूसरे साइड पर। तो चलो मिलते हैं। ये जिस एरिया में हो यार, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब यहाँ पे
जो एक्सटीरियर जो इन्होंने डेकोरेट किया है वो बहुत अच्छा है, तो चलो दिखाता हूँ पहले यहाँ का। भाई मैं आया हूँ इस टाइम सिटी डेरा के पास हूँ, गोल्ड सूप के पास, और ये जो एरिया इन्होंने मतलब डेकोरेट किया है यार, काफ़ी ज़्यादा मतलब नई नई सोसाइटी बनी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा खूबसूरत बनाया है। और ख़ास तौर से जो एक्सटीरियर है इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इन्होंने डेकोरेट किया है, एक सिस्टम से किया है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मतलब एक सिंपल सा लुक में दिया है और काफ़ी मतलब खूबसूरत है। तो ये भी एक सिविल इंजीनियर, मतलब चलते चलते कुछ चीज़ें दिखती है, तो आप ना जब भी साइड पे जाओ या कहीं भी जाओ विजिट पे जाओ ना, तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करो यार कि ये सिविल इंजीनियर यहाँ पे कैसी सोच है, मतलब इन्होंने कैसे मतलब एक सिंपल में इतना खूबसूरत कैसे डेकोरेशन करा दिया है। तो ये भी एक इंजीनियरिंग की एक पार्ट है भाई, सिविल इंजीनियर का एक पार्ट है, ठीक है। तो फिलहाल ये हो गया है, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ मेट्रो स्टेशन, ऑलमोस्ट मेट्रो स्टेशन इसी के अंदर है शायद, तो मैं पहुँच गया हूँ, तो फिर मैं निकलता हूँ। ओके, तो चलो भाई ये पहली साइड विजिट, अब दूसरी करता हूँ।